Hey guys, welcome back to my channel. और भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया. So guys, Redmi ने लॉन्च किया उसका नया डिवाइस जो है हम लोग का Redmi Note 9. यार क्या बोलूं यार, मतलब इस बार सच में मैं ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ Redmi को लेकर, क्योंकि अभी Realme भी जो है बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन निकाल रहा है, बट Redmi Note 9 जो था, नो डाउट उसका प्राइसिंग सेगमेंट जो रखा है बहुत ही बढ़िया रखा है. तीन वेरिएंट में वो रखा है, एंड जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 12,000 रुपीस से रखा है, जो 4GB प्लस 64GB है, और जो दो बाकी वेरिएंट का जो प्राइसिंग सेगमेंट है ना यार, सच बोल रहा हूँ काफी अच्छा प्राइसिंग सेगमेंट रखा है, क्योंकि जो 4GB प्लस 128GB वाला रखा है वो 13,500 रुपीस रखा है, एंड जो 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट रखा है वो फिलहाल रखा है वो 15,000 रखा है. नो डाउट यार रैम रोम ये सब में चीज बढ़िया है, सबसे डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है, पंच होल डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है. तो मेन चीज यहाँ पर क्या चले आता ना भाई, यहाँ पर मैंने हम लोग का प्रोसेसर, मतलब मैं प्रोसेसर को लेके इतना ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, एंड मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि जितना भी प्रोसेसर है ना भाई, मुझे ना मीडिया टेक का जो प्रोसेसर होता है ना, मुझे, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मीडिया टेक का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं लगता है भाई, ये मेरा ओपिनियन है, मे भी आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि सबका जो एक्सपीरियंस एक रहता है एक प्रोसेसर को लेके वो अलग अलग रहता है. तो मेन चीज वो क्या दिया है ना यहाँ पर, G85 दिया है मीडिया टेक का, G85 प्रोसेसर दिया है, जो कि काफी अच्छा है, वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही अच्छा दिखाया है, बट यहाँ पर जो दिखाया है वो G85, वहां पर जो हमें नैनोमीटर यहाँ पर देखने को मिलता है, 12 नैनोमीटर का यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है. भाई सच बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर नो डाउट ऑक्टा कोर दिया है, बट वहीं पर अगर हम 14,000 में अगर पोको M2 Pro जो अभी नया निकला है ना भाई, वो लेना मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है भाई, क्योंकि इससे तो हमारा पोको M2 Pro ही अच्छा है, क्योंकि वहां पर 720G वाला जो प्रोसेसर दिया है उसमें 8nm है, मींस आपको लैग उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पर्सनली देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है एक एक प्रोसेसर को लेके. मैं जितना तक मैं यूज किया हूँ मीडिया टेक वाला प्रोसेसर, तो मुझे लैग कहीं ना कहीं पर मिलता ही है भाई, मतलब स्नैपड्रैगन अगर आप यूज करोगे ना, क्योंकि अभी देखो अगर आप एक फोन खरीदोगे तो ऐसे नहीं कि आप एक दो महीने के लिए यूज करोगे ना भाई, तो हो सकता है आप 2-3 साल तक भी यूज कर सकते हो फोन. तो मेरा ये, मैं जितना तक मैं मीडिया टेक यूज किया हूँ, मुझे वहां पर लैग देखने को मिलता ही है भाई, एंड ये तो 12nm है, मतलब कहाँ है यार, मतलब 720G में 8nm वाला हमें चिपसेट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर तो ये इतना ज्यादा यहाँ पर वो बढ़ा के दिया है. देखो क्या होता है ना, जितना ज्यादा नैनोमीटर रहेगा उतना हमारा लैग होने का चांसेस होता है. ओके, सो जितना कम रहेगा उतना बेटर रहता है, इसलिए देखना जो हमारे आईफोन वाले होते हैं उन लोग बहुत ज्यादा तगड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम लोग का 7nm A13 और A12 जो चिपसेट है जिसमें 7nm हम लोग का चिपसेट है, तो उसमें क्या आता है, जितना कम एनएम रहता है उतना ज्यादा फास्ट रहता है. तो यहाँ पर मैं मानू तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया है भाई, Redmi Note 9 जो ये निकाला है डिस्प्ले टॉप क्लास है, बैटरी जो है 5020mAh का बैटरी दिया है वो भी टॉप क्लास बैटरी दिया है, जो कैमरा है वो भी बहुत ही तगड़ा कैमरा दिया है, 48MP प्लस 8MP प्लस 22MP, चार कैमरा में क्वाड कैमरास देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है वो पीछे की तरफ, फ्रंट में 13MP का कैमरा भी दिया है वो भी बहुत ही बढ़िया है, एंड उसके साथ जो रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया है, नेक्स्ट आयर ब्लास्टर भी दिया है जो कि हमें सिर्फ Redmi का डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है. बट ओवरऑल अगर बात करते हैं यहाँ पर, मेन बात चले आता है प्रोसेसर, जैसे गाड़ी हमारा एक इंजन अगर अच्छा इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा ना भाई, लैग होगा, उसी तरह दिक्कत दिखाएगा गाड़ी में, प्रॉब्लम दिखाएगा, उसी तरह हमारा फोन का चले आता है प्रोसेसर. तो अगर प्रोसेसर अगर उस तरह का अगर बढ़िया टॉप क्लास अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा भाई फोन को रन करके. सो क्या हो रहा है भाई, Redmi वाले बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर के साथ दे रहे थे, अभी फिलहाल एक दो ऐसे देख रहा हूँ कि MediaTek वाला उन लोग डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं, एंड उतना खास तगड़ा उन लोग रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं कि भाई नहीं ये 12,000-13,000 में सबसे तबाही फोन है, उस तरह का भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है. वैसे कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ Redmi वालों से कि जो हम लोग का Redmi 9A 9C जो लॉन्च होने वाला है काफी तगड़ा फोन हो, क्योंकि उसका प्रोसेसर अगर स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर क्या होता है ना काफी अच्छा रहता है यार, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे MediaTek में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है, बट स्नैपड्रैगन में उतना ज्यादा हमें लैग देखने को नहीं मिलता है. So, अगर आप MediaTek यूज करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये फोन आप खरीद सकते हो, 12,000 का प्राइस सेगमेंट में काफी तगड़ा फोन है यार, बहुत ही बढ़िया फोन है, क्योंकि आप अगर प्रोसेसर पार्ट को अगर छोड़ दोगे,
रेस्ट पार्ट जितना है बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप प्रोसेसर को देखते हो तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ऑड ही लगता है। मैं अगर आप मुझे बोलोगे ना Redmi यहाँ पर Note 9 है एंड यहाँ पर Poco M2 Pro है तो कौन सा मैं प्रीफर करूंगा, भाई मेरा प्रेफर तो यही रहेगा कि मैं Poco का M2 Pro ही लूं, क्योंकि वो भी काफी अच्छा फोन है यार। रिसेंटली भी लॉन्च किया है, अभी एक हफ्ता हुआ है लॉन्च किया Poco M2 Pro, काफी तगड़ा फोन है यार, मस्त फोन है। मतलब जो हम लोग का चिपसेट है ना, चिपसेट बहुत ही बढ़िया दिया है, उसके साथ 8nm वहां पर हमें देखने को मिलता है जो चिपसेट है, तो उसी के कारण मुझे ना ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है। मीडियाटेक का क्या रहता है ना, थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिलेगा अभी नहीं तो एक साल बाद भी। स्नैपड्रैगन का क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी यूज करोगे ना उसका उतना लैग देखने को नहीं मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, सो ओवरऑल फोन काफी तगड़ा है भाई, बहुत ही बढ़िया फोन है। सो आप Redmi Note 9 बाय कर सकते हो, और अगर आप मीडियाटेक को अगर पसंद करते हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो पता है ना क्या करना है भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, जितना जो भी आपको पसंद है सब करो। सो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको मिलता हूँ विद अनदर न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।